हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। गैस मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेज सब्जी। तो गैस मिक्स सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलू कटे हुए और जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो आपके पास, जैसे बीन, गोभी और गाजर। तो इसको अच्छे से मैंने काट लिया है, शिमला मिर्च और परवल, भिंडी, जो भी अवेलेबल सब्ज़ी हो आपके पास उस तरीके से काट कर धो लीजिए और महीन महीन काटिएगा। और लेंगे कढ़ाई लोहे की, थोड़ी सी बड़ी लेंगे और गैस को ऑन करेंगे। तेल की क्वांटिटी परफेक्ट रखनी है, यानी कि समथिंग 3 चम्मच डालना है। तो मैं सब्ज़ी कुछ ज़्यादा बना रही हूँ कढ़ाई भरकर, और आप इस समय जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं तो इसमें आप सब्ज़ी आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो क्या करेंगे बनाने के लिए, हलवाई स्टाइल में सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू को धोने के बाद छलनी से छान लिया है, पानी उसका बिल्कुल ख़त्म निकल जाए तो इसमें आलू तल लेंगे। तो आलू को अगर आप तलेंगे खूब ज़्यादा से तेल में, तो अब मैंने अदरक लिए, अदरक को कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। तो लीजिए आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो गुलाबी हो जाएंगे, तो इसको निकाल लीजिए दूसरी थाली में। तो इस तरीके से गाइस आप सब्जी मिक्स वाली बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है सब्जी। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। तो आप ही लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल ग्रो होगा। तो लीजिए, मैंने आलू को तल लिया है और इसको एक थाली में निकाल लिया है। तो अब जो ऑयल बचा है, कड़वा तेल, समथिंग 2 चम्मच तेल है, इसमें डालेंगे जीरा। और विदाउट प्याज सब्जी बनानी है और इसमें डालेंगे हींग। हींग की क्वांटिटी भी परफेक्ट रखनी है, थोड़ी सी ज़्यादा, आधा टीस्पून से कम। टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून डालना है। और ये सब्ज़ी का ऐसे समथिंग 20 लोगों के हिसाब से बन रही है। अदरक जो कद्दूकस की थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो मिक्स वेज सब्जी है वो इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें शिमला मिर्च, भिंडी, परवल, गाजर, गोभी। अभी आलू तो तल के अलग रख लेंगे और इन सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसमें डालेंगे गर्म मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला समथिंग 2 चम्मच, और गरम मसाला आधा टीस्पून, और टर्मरिक पाउडर ऑलरेडी 1.5 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना है तो 1.5 टीस्पून, वरना 1 टीस्पून। तो इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे और इसमें पानी नहीं डालना है, और स्वाद अनुसार नमक, उसकी भी क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी, 2.5 टीस्पून। तो आप परफेक्टली इस तरीके से सब्ज़ी आप बना सकते हैं गाइस। तो इस समय गाइस श्राद्ध चल रहा है, तो श्राद्ध में आप इस तरीके से जब बनाएंगे सब्जी तो सच मानिए सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि ये प्रसाद है। और इस तरीके से इसको जब सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे, इसके बाद में डाल देंगे आलू। अब आलू को डालने के बाद इसमें हरी मिर्च को थोड़ा सा बड़े पीसेस में डालना है, ताकि जब आप खाएं तो पता चल जाए कि यहाँ हरी मिर्च है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। अब लेंगे टमाटर और इसमें डाल देंगे 2 टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा बड़े साइज में ही काटना है, ना कि ज़्यादा छोटे। इस तरीके से आप काट सकते हैं, और काटने के बाद इस तरीके से टमाटर के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, ना ही ज़्यादा छोटे ना ही बड़े, और इस तरीके से। तो गाइस, आप मेरी वीडियो कौन से जगह से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि मिक्स सब्जी कितनी बढ़िया बन रही है। तो अब इसमें आप चाहें तो ग्रीन वैली भी डाल सकते हैं। तो इसको 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। तो लीजिए 10 मिनट हो चुका है, अब इसको आप देख सकते हैं ऑलरेडी पानी सब्जी में, हरी सब्जी में पानी अपने आप ही आ जाता है। तो इस तरीके जो पानी है बीच में, इस तरीके से सब्जियों को हटा कर और बीच में पानी, सब्जी का पानी इस तरीके से सुखा लेंगे। तो गैस को हाई फ्लेम पर कर देंगे और सब्जी पककर तैयार हो गई है। आपको मैं आलू पहले ही पक के आधा हो गया था, और इस तरीके से हरी सब्जी है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, और इस तरीके से सब्जी परफेक्टली बन गई है, उसको सर्व कर लिया है। सो गैस, आपको सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पंडित जी को जब खिलाएंगे तो ये प्रसाद बन जाएगा। इस तरीके से आप खिलाइएगा तो आपको सब्जी की रेसिपी देख के आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही बढ़िया बनी है, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बनाइएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनेगी। सो गैस, मिलते हैं।